नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर के चुनावों के बीच एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की एंट्री बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि हमेशा की एंट्री में पाकिस्तान का नाम यहां के नेताओं द्वारा लिया जाता है, यहां पर कटाक्ष करते हुए कहा जाता है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के चुनावों में पाकिस्तान ने खुद ही जहर उगला है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में 370 और 35 से को लेकर के अपना वही पुराना अड़ियल रवैया अपनाया है। आपको बता दें कि एक निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, उस मुद्दे की बहाली हो जाए। अब इसके बाद सियासत शुरू हो गई, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और उसी के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। और धारा 370-35 पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है और स्पष्ट दिखता है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर जो भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को राहुल गांधी प्रेम नजर आता है, राहुल गांधी जी को पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। ये अपने आप में दिखता है कि देश में रहते हैं भारत में और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। चाहे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय भी अपनी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने। तो वहीं बीजेपी के नेताओं के इस बयान के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वो अपनी जमहूरियत को देखें, उन्हें हमारे चुनावों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। आसिफ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक ही पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कौन है ना ख्वाजा आसिफ डिफेंस, ये कौन है पाकिस्तान? अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका नाम हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए कहीं भी 370 को लेकर के जिक्र नहीं किया है। 370 पर कांग्रेस बिल्कुल चुप है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस लाने की मांग करेंगे। उसी के साथ 370 और 35 से की बहाली हो जाएगी, जिसको लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार ने 370 और 35 से को लेकर अपना जो स्टैंड क्लियर किया था, जिसको वहां पे लागू कराया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको वापस कराने की बात कह रही है। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, वहां की जनता तय करेगी, और चुनावों के बाद मुद्दे कितने पूरे होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।